वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल अलीगढ़ टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमयू एमटेक सिविल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की। इसमें कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहा, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, साथ के साथ बात करेंगे कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज भी बताएंगे और साथ के साथ बताएंगे कि आपके सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं और टोटल कितनी सीटें हैं, गेट कैंडिडेट को कितनी सीटों के लिए ऑफ़र किया जाता है। सारी डिटेल इस वीडियो में आपके लिए मिलने वाली है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख लीजिए कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमटेक एडमिशन 2022 एंड 2023 का है। इसमें आपके तीन लिस्टें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर, और फर्स्ट लिस्ट में देखिए ये लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेबल ओनली फॉर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विद मार्क्स मोर देन और इक्वल टू द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ जनरल कैटेगरी वैलिड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड ऑल्सो एज पर प्रायोरिटी इफ द डिफाइंड इन गाइड टू एडमिशन 2022 और 2023 आर एग्जिम्प्ट टू अपीयर द डिपार्टमेंटल एडमिशन टेस्ट। तो कुल मिलाकर लिस्ट ए में जो है आपका वैसे सभी कैंडिडेट हैं जो कि गेट क्वालिफाइड है, तो इसमें तकरीबन जो है आपके तकरीबन क्या एग्जैक्ट 64 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट क्वालिफाई हैं। और तो इन लोगों को जो है ना डिपार्टमेंटल टेस्ट हुआ है अभी आपका सिविल इंजीनियरिंग का, एमटेक का, तो इन लोगों को जो है इस एग्ज़ाम में जो है अपीयर होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये 64 स्टूडेंट अगर चाहें एडमिशन लेना तो इनका बगैर एग्ज़ाम दिए ही एडमिशन हो जाएगा। अगर आप गेट क्वालिफाई हैं और एमटेक एएमयू के एमटेक सिविल इंजीनियरिंग या किसी और ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो है एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे एएमयू, आपको जो है इसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब यहाँ 64 स्टूडेंट जो हैं आपके गेट क्वालिफाइड हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था। अब यहाँ लिस्ट बी की बात करें तो लिस्ट बी में आपको जो है वैसे सभी स्टूडेंट जो नॉन गेट क्वालिफाई हैं और वो एमटेक में एडमिशन देना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट एएमयू सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वैसे सभी स्टूडेंट के लिए। जो नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है तो यहाँ पर आपको जो है 278 स्टूडेंट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, तो जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो एएमयू जो है ऐसे सभी स्टूडेंट का जो है डिपार्टमेंटल टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेता है। अब इसमें जो है लिस्ट सी की अगर बात करें तो लिस्ट सी में आपको जो है दो स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं और यहाँ पर इनके जो हैं बीटेक या बीई जो है इन्होंने जो भी बैचलर डिग्री कोर्स किया है उसमें इनके 60% मार्क्स से भी कम है तो ये एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाए। अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो गेट नॉन गेट और नॉट एलिजिबल सभी स्टूडेंट को अगर काउंट कर लें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 344 स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलेंगे जो गेट के लिए अप्लाई किया है इन सभी ने। अब इसमें से 64 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गेट क्वालिफाई हैं तो उन्हें जो है एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है, उनका तो गेट स्कोर कार्ड के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। अगर वो क्वालिफाइड भी हैं, अगर उनका कोई अच्छा रैंक भी नहीं है, अगर वो सिर्फ क्वालिफाइड भी हैं तब भी उनका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा और उन्हें एंट्रेंस देने की भी ज़रूरत नहीं थी, तो वो वैसे सब स्टूडेंट एंट्रेंस देने भी नहीं आए थे जिनका गेट क्वालिफाई था। और नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो थे 278 में से आपके 225 स्टूडेंट जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, ये ऑफिशियल डेटा हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो 278 में से 225 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, हो सकता है तकरीबन इससे ज़्यादा भी अपीयर हो सकते थे लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब था, सुबह से ही बारिश हो रही थी तो इस वजह से 225 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। तो तकरीबन अराउंड
80% स्टूडेंट जो हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं, तो ये 80% जो बता रहे हैं हम आउट ऑफ 278 में से बता रहे हैं आपको, तो 225 स्टूडेंट इसमें से अपेयर हुए थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप्लाइंग स्टूडेंट कितने थे, अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे और एबसेंट कितने हुए हैं। तो आपको ये डेटा पता चल गया होगा, ये ऑफिशियल डेटा हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट आपके साथ बात कर लेते हैं कि ओवरऑल एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीट्स हैं, या सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एमटेक जो होता है 2 साल का कोर्स आता है, यहाँ पर एएमयू में सेमिस्टर के हिसाब से इसे रन कराया जा रहा है। बाकी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमिस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। तो ये 4 सेमिस्टर का कोर्स है, यानी कि 2 साल का कोर्स है। इसमें हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एएमयू में। स्पेशलाइजेशन जो रहेगा आपका वो 5 ब्रांचें बनाई गई हैं एमटेक सिविल इंजीनियरिंग की। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आपको 16 सीटें देखने को मिलेंगी, वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपको जो है 16 सीटें मिलेंगी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको 16 सीटें हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 10 सीटें हैं, और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको 12 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 2 ब्रांचेस ऐसी हैं कि ये जो है 2015 से ही शुरू की गई हैं, अभी ज़्यादा पुरानी ब्रांच हुई नहीं है, ये स्पेशलाइजेशन की ब्रांच हुई नहीं है। लेकिन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही हैं, जब से आप मान सकते हैं कि 1942 से जो है ये ब्रांचेस हाइड्रोलिक और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग चलती ही आ रही हैं। बाकी जो टेक्निकल और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये जो है अभी हाल फिलहाल में ही शुरू की गई हैं, आज से 7-8 साल पहले से ही शुरू की गई हैं। तो यहाँ पर बात एक सोचने वाली ये है कि टोटल सीट जो है 70 सीटें हैं ये सभी ब्रांचेस के लिए, 5 ब्रांचेस के लिए एएमयू में जो है एमटेक प्रोग्राम में 70 सीटें हैं। और अभी हमने आपको जो लिस्ट दिखाई थी लिस्ट ए, उसमें 64 बच्चे तो वैसे भी गेट क्वालिफाई हैं। अब 70 में से 64 बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, अगर 64 के 64 एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपके पास कितनी सीटें बचती हैं जो नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, सिर्फ 6 सीटें बचती हैं। फिर 6 सीटों में भी कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, उसमें 225 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो फिर आपका एडमिशन कैसे हो पाएगा जो नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। तो उसमें होना ये है कि जो 64 स्टूडेंट गेट क्वालिफाई हैं वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो देंगे वो IITs, NITs, IIITs को देंगे। तो 64 में से तकरीबन आप मान सकते हैं कि 50% बच्चे जो हैं IITs, NITs में एडमिशन हो जाता है उनका, वो IITs और NITs में जो है अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए और उनका हो भी जाता है। बस AMU में तो वो सेफर जोन के लिए डाल देते हैं कि अगर मेरा NITs या IITs में एडमिशन नहीं होता है तो मैं AMU में एडमिशन ले लूँगा। तो अब मान लीजिए कि तकरीबन हर साल जो है 35 से 40 स्टूडेंट जो हैं AMU के जो हैं एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले लेते हैं, गेट क्वालिफाइंग स्टूडेंट होते हैं वो। तो 35 से 40 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गेट क्वालिफाई होते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। तो आप मान लीजिए अगर 35 बच्चे भी एडमिशन लेते हैं तब भी 35 सीटें बचती हैं नॉन गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए। अब 35 सीटों में जो है काफ़ी ज़्यादा, उसमें भी आपका इंटरनल स्टूडेंट होते हैं 35 सीटों के लिए और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में अब इसमें क्या होगा, 35 में से 50% सीट जो रहेंगी वो इंटरनल के लिए रहेंगी, बाकी 35% एक्सटर्नल के लिए रहेंगी। तो उसमें भी यही रहता है, अब गेट क्वालिफाई में भी इंटरनल भी स्टूडेंट भी होते हैं और एक्सटर्नल स्टूडेंट भी होते हैं जो गेट क्वालिफाई होते हैं, उसमें दोनों तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 50% सीट जो है इंटरनल के लिए रिजर्व है, 50% एक्सटर्नल के लिए रिजर्व है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि हम तो जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, ST SC कैटेगरी से हैं,
तो यहाँ कुछ हमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिजर्वेशन वाला कोई सीन ही नहीं है एमयू में। मास्टर डिग्रीज के कोर्सेज में रिजर्वेशन कुछ नहीं दिया जाता, सबको जो है जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आपको जो है ये भूल जाइए कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको जो है थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स के बेसिस पर, या कट ऑफ आपकी कम रहेगी। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है यहाँ एमयू में। आपको जो है आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब हम आपको जो है लास्ट ईयर की कट ऑफ बता देंगे और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये सारी चीज़ें बता देंगे। ये डेटा जो है हमने बड़ी मेहनत के साथ कलेक्ट किया है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैंने ऑलरेडी 3 साल के पेपर अपलोड कर रखे हैं। एमटेक के एएमयू एमटेक के पेपर किसी और चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की। तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की आंसर की सेट ए और सेट बी की मैंने दोनों अपलोड कर रखी हैं। तो आप जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डायरेक्टली लिंक की मदद से आंसर की तक जा सकते हैं सेट ए और सेट बी की, और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे होंगे, आप मैच कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की, इस साल का कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ रही थी। लास्ट ईयर एएमयू एमटेक सिविल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रही थी तो उसमें आपका 42 मार्क्स जो रहे थे आपके इंटरनल स्टूडेंट की कट ऑफ थी। वहीं अगर बात करें हम एक्सटर्नल स्टूडेंट की, तो एक्सटर्नल स्टूडेंट की जो है अराउंड 50 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रही थी। तो हम बताते हैं लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है मोहम्मद दानिश, जिनके 37 नंबर आए थे। 37 नंबर पे इनकी रैंक जो बनी थी 45 रैंक बनी थी, और इन्हें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। तो इनका जो है आप देख सकते हैं कि 37 मार्क्स पर इनकी 45 रैंक बन रही है। वहीं एक स्टूडेंट थे जिनके 42 मार्क्स थे, तो 42 मार्क्स पर इनका जो था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था, और इनकी रैंक जो थी 5 थी। और एक्सटर्नल स्टूडेंट की जो है आपके 50 मार्क्स के अराउंड एडमिशन हुआ था। इस साल और लास्ट ईयर का पेपर, शायद जिन लोगों ने लास्ट ईयर का पेपर अटैम्प्ट किया होगा, जिसे सॉल्व किया होगा, जिन लोगों को मैंने प्रोवाइड कराया था लास्ट ईयर का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर, वो लोग अच्छे से समझे होंगे कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा था और इस साल पेपर कैसा था। लास्ट ईयर थोड़ा पेपर इस साल के मुकाबले थोड़ा सा टफ था, लेकिन इस बार जो है पेपर ज़्यादा टफ नहीं है। आप बोल सकते हैं कि बस मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा इसमें जो है आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन से भी आपको कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है, बस बेसिक से न्यूमेरिकल से आपसे पूछे गए हैं। तो इस साल की अगर आप कट ऑफ की बात करें, तो इंटरनल स्टूडेंट की कट ऑफ जो रहेगी 45 प्लस रहेगी, अराउंड 45 प्लस ही रहेगी। वहीं एक्सटर्नल की बात करें, तो एक्सटर्नल की कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी 50 से 55 प्लस मार्क्स के आसपास रहेगी। आप मान सकते हैं कि अराउंड 55 मार्क्स के आसपास रहने वाली है एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की कट ऑफ। तो आपको एक कट ऑफ का ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि अगर आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं और आपके जो है अराउंड 55 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप सेफर जोन में हैं, आपका एडमिशन जो है बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी वैसे सभी स्टूडेंट जिनके 50 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो वो जो हैं अपना लक मान के चलिए कि आपकी वेटिंग आने के मोस्ट प्रोबेबल चांस हैं। तो जिन जो स्टूडेंट एक्सटर्नल हैं और 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उन सभी की वेटिंग्स आएगी। अब वेटिंग की बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कितनी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो लास्ट ईयर तो अराउंड 28 वेटिंग तक क्लियर हुई थी, और इस साल की वेटिंग की अगर बात करें तो लास्ट ईयर तो
सिनेरियो कुछ और था लास्ट ईयर, तो कोविड-19 था। कोविड-19 में जो है ज़्यादा वेटिंग क्लियर हुई है, तकरीबन सभी कोर्सेज की वेटिंग ज़्यादा क्लियर हुई है। बीटेक की अगर बात करें तो बीटेक में भी अराउंड 1000 के आसपास वेटिंग क्लियर हुई थी, लेकिन एमटेक में भी जो है इतनी क्लियर नहीं होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्लियर जो हुई थी 2020 में एमटेक की क्लियर हुई थी, 51 वेटिंग तक क्लियर हुई थी। लास्ट ईयर 28 थी, और इस बार जो है अब तो सब नॉर्मल कंडीशन है, इस बार तो वेटिंग और भी कम क्लियर होने के चांसेस हैं। इस बार वेटिंग जो क्लियर होगी अराउंड 15 से 20 के आसपास ही वेटिंग क्लियर होगी। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।